नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जैसा कि आपको बताया कि नीमच अफीम फैक्ट्री लगातार सुर्खियों में, अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहां पर आज किसान पहुंचने वाले हैं, नारकोटिक्स विभाग का घेराव करेंगे। जिस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री सुर्खियों में, अगर बात की जाए तो सीपीएस पद्धति और हाल ही में जिस तरीके से शशांक यादव उगम का मामला जो सामने आया था, उसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। क्योंकि किसानों का कहना है कि जिस तरीके से केस बनाए जा रहे हैं झूठे, उससे लेकर जो है किसानों में भारी मायूसी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन किसान करेंगे, उस पूरे मामले को लेकर आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो चुकी है। किसान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करें क्या मामला है और किसान क्यों यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आखिर यहाँ क्यों आंदोलन प्रदर्शन करेंगे? सर, नीमच जिला जो है अफीम के लिए जाना जाता है, आप जिस तरीके से जानते हैं, शुरू से अफीम की नीति को लेकर के इस आंदोलन चलते रहे हैं। बहुत सारे केस भी बने हैं। कुछ समय पहले आपको पता होगा रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का भी एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके विषय में बाद में जब जानकारियां सामने आई और जब हकीकत सामने आई तो बाद में मालूम पड़ा कि जो प्रकरण दर्ज किया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। अभी हाल ही में इससे संबंधित एक मामला शांतिलाल धाकड़ का, जो धाकड़ समाज से बिलोंग करते हैं, इनका लेकर के उधर जो राजस्थान के अंदर गांव है कनेरा, वहां से उनका एक प्रकरण बनाया गया है अभी, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है और उगम सिंह करके कोई अधिकारी है उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसको लेकर के आज धाकड़ समाज काफ़ी मात्रा में एकत्रित होकर के पूरा परगना एकत्रित हो रहा है और जिले के सारे किसान बंधु एकत्रित हो रहे हैं, हमारे समाज के बंधु, धाकड़ समाज के बंधु सभी एकत्रित हो रहे हैं। इसको लेकर के ज्ञापन देना है और प्रदर्शन करना है और शासन को केवल इतना सा बताना है, अफीम नारकोटिक्स विभाग को इतना सा बताना है कि जो कार्यवाही जो पिछले कई दिनों से चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, वो सरासर गलत चल रही है। बड़ी बात निकल के सामने आई, जिस तरीके से लगातार हम कह रहे हैं किस तरीके से नीमच अफीम फैक्ट्री के कतिपय अधिकारी जो जिस तरीके से झूठे केस बना रहे हैं, जिस तरीके से उगम का मामला सामने आया, किस तरीके से पीड़ित ने कहा है कि उनको 2 लाख रुपए लिए गए, ऊपर से दुष्कर्म किया गया। वहीं उगम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ दिख रहा था किस तरीके से उसने कहा कि हाँ, उसने जो है 2 लाख रुपए लिए थे और दुष्कर्म भी किया था। जिस तरीके से लगातार नीमच अफीम फैक्ट्री पर आरोप लग रहे हैं, वे लगातार उस मामले को लेकर हम भी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ देर में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तैयारी आप देख सकते हैं किस तरीके से दरी बिछाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ देर में हजारों किसान यहाँ पर आएंगे, नारकोटिक्स विभाग का घेराव करेंगे और अपनी जिस तरीके से किसान बंधु ने हमें बात बताई कि उनकी क्या मांगे, वो मांगे बताई है कि जिस तरीके से लगातार अफीम फैक्ट्री में जो है किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। मेरे सहयोगी रतन पंडित के साथ नवीन पाटीदार।